हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। ग्रेड कैलकुलेशन के लिए एक प्रोग्राम मैंने बनाया है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन बनाते समय आपको डेफ लिखना होता है, आपको डिफाइन नहीं लिखना होता है, डेफ ही लिखना होता है। इसके अंदर मैंने एस्ट्रिक सब्जेक्ट दिया है, यानी कि जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें आएंगे, और यहाँ पर टोटल स्कोर नाम से बनाया है, और जो भी सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट का आप मार्क्स एंटर करेंगे उसको ये सम कर देगा। तो सम एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे एवरेज स्कोर भी कैलकुलेट किया है और उसकी लेंथ से उसे डिवाइड भी करा दिया है, यानी कि टोटल स्कोर को जितने सब्जेक्ट होंगे उसकी लेंथ से डिवाइड करा दिया है। तो यानी हमारा एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा और एवरेज के बेस पे हम ग्रेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रेड के लिए हमने इफ लगाया यहाँ पे, इफ एवरेज स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 90 तो कौन सा ग्रेड आ जाए, ए ग्रेड आ जाए। फिर यहाँ पे इफ के बाद हमने एल्स नहीं लगाया है, क्योंकि इफ के बाद अगर एल्स लगा देते तो हम सिर्फ दो ही कंडीशन दे पाते, लेकिन यहाँ पर इफ के बाद लगा दिया एलिफ। तो एलिफ लगाने का फायदा क्या हुआ कि इसके अंदर कई कंडीशंस दी जा सकती है। तो अब हमने कहा एवरेज स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 80 तो ऐसे में बी ग्रेड आ जाए, और फिर मैंने एलिफ लगाया और कहा एवरेज स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 70 तो सी ग्रेड आ जाए, और फिर मैंने कहा एवरेज स्कोर इज लेस देन इक्वल टू 60 तो डी ग्रेड आ जाए, और इससे कम आए यानी 60% से कम आए तो बच्चा क्या हो जाए, फेल हो जाए, और ग्रेड को रिटर्न करवा दिया है। अब हम जब जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे और वहां जो चीजें देंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पे देख सकते हैं, और फिर ग्रेड को प्रिंट कराया है। तो अगर मैं इसको चलाता हूं यहां से तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है ग्रेड बी आ रहा है, देख रहे हैं ऑटोमेटिक ये जो है ग्रेड कैलकुलेट करके दे रहा है बी। लेकिन अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूं, यहां पर जो यहां पर हमने जो यहां पे दिया है क्राइटेरिया, इसको 55 कर दिया, यहां पर भी हम 55 कर देते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग ग्रेड भी 45 कर दिया यहां पे, और यहां पे कर देते हैं 52 या कुछ ऐसा। तो यहां पर जो भी आप देंगे ना उसी के अकॉर्डिंग ग्रेड जो है चेंज होता रहेगा जब जब आप चलाएंगे। तो अब देखिए यहां पर जब मैं इसे चलाऊंगा तो अभी तो ग्रेड बी रहा, लेकिन अभी क्या होगा जब इसे चलाऊंगा तो ये ग्रेड चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ ग्रेड एफ आ गया, क्योंकि ये क्या हुआ कम हो गया ना, मार्क्स जो है कम हो गया। आप अब यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग जब जब आप चेंजेस करेंगे और इसे कॉल करेंगे तो आपका फंक्शन चलेगा और ग्रेड कैलकुलेट करके ये देगा। तो शो ग्रेड नाम से फंक्शन इस तरीके से आप बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।